नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल का उपयोग अस्थमा होने पर, ब्रोंकाइटिस होने पर और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर होने पर किया जाता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर को COPD भी कहते हैं। अस्थमा और COPD होने पर व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होना, सांस फूलना, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना, छाती में जकड़न और खांसी होना आदि लक्षण अस्थमा और COPD होने पर हो सकते हैं। एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल वायुमार्ग की मांसपेशियों को रिलैक्स करके और फेफड़ों के सांस लेने के रास्ते को चौड़ा करती है। एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल को लेने के बाद फेफड़ों के वायुमार्ग चौड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा और COPD से पीड़ित व्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती है। एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल अस्थमा और COPD होने पर सांस फूलना और सांस लेने में परेशानी होना आदि लक्षणों को ठीक करता है और इन लक्षणों को रोकने में भी मदद करता है। एसीब्रोफाइलिन एक सॉल्ट नेम है। एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल 100 mg व 200 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, पेट में बेचैनी, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिर चकराना, घबराहट होना, सीने में जलन होना, भूख कम लगना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशेस होना, शरीर में थकान होना, सिरदर्द होना और दस्त होना आदि साइड इफेक्ट्स एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल की वजह से हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल की वजह से कब्ज की समस्या भी हो सकती है। अगर आपको एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एसीब्रोफाइलिन 100 mg कैप्सूल को दिन में 1 से लेकर 2 बार लेने की सलाह देते हैं और एसीब्रोफाइलिन 200 mg कैप्सूल को दिन में 1 बार लेने की सलाह देते हैं। एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अस्थमा और COPD को अच्छी तरह से नियंत्रण में रखने के लिए आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए और धूल, पोल्यूशन, खराब मौसम और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं व वाहनों से निकलने वाले धुएं के संपर्क में आने से बचना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा ठंडे पानी का सेवन करने से बचना चाहिए। ब्लड प्रेशर कम होने पर, दिल का दौरा पड़ने पर, दिल की धड़कन अनियमित होने पर, लिवर और किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एम्ब्रोक्सोल, थियोफाइलिन, एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एसीब्रोफाइलिन कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।